In last lecture, we have solved this sum till trading account and PNL just start किया था जिसमें हमने salaries और rent ये item दिखाया था debit का और credit में gross profit brought down and interest earned जैसे ये देख रहे हो can see here ठीक है यहाँ तक हमने last lecture में solve किया ठीक है अब इसके बाद जिन्होंने practice किया है वो लोग अपना check करना खाली answer मैं solve कर रहा हूँ इसके आगे continue कर रहा हूँ तो rent तक हो गया था चलो rent के बाद अपना क्या है PNL से related items आ जाए देखो इधर रेंट के बाद अपना क्या है रेंट तक हो गया था फिर उसके बाद बैड डेट्स बैड डेट्स है बेटा बैड डेट इज गिवन दैट इज 7000 ठीक है अब बैड डेट्स में देखो ऐड न्यू बैड डेट्स में प्लस कर दोगे बैड डेट्स के लिए क्या हो जाएगा अपना आरडीडी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा बेटा बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी और माइनस ओल्ड आरडीडी तो अभी देखो क्या क्या है अपने पास बैड डेट्स है 7000 न्यू बैड डेट्स है क्या न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट में देखो न्यू बैड डेट्स है अपने पास या नहीं है सो न्यू बैड डेट्स का तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ठीक है न्यू बैड डेट्स नहीं है अपने पास ठीक है तो बैड डेट्स आपका 7000 हो गया न्यू बैड डेट्स कुछ भी नहीं है न्यू आरडीडी 5% ऑन डेटर्स निकालना 5% ऑफ डेटर्स तो डेटर कितना बेटा अपना 2 lakhs है सो 2 lakh का 5% निकाल लो दैट्स इट 2 lakh का 5% होता है 10000 सो 10000 सो टोटल हो गया 17 उसके बाद आपका ओल्ड आरडीडी कितना है ओल्ड प्रोविजन था ना अपने पास ये देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दैट इज 8000 का ओल्ड प्रोविजन है तो वो माइनस कर देना 17 माइनस 8 जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा दैट्स इट खत्म 17 माइनस 8 दैट इज व्हाट 9000 फिनिश ऐसा ही अपने को दिखाना है मतलब वो जो आरडीडी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो यूज करना है ठीक है तो इसको डायरेक्टली पीएनएल के डेबिट साइड में यूज कर रहे थे बेटा आ जाओ पीएनएल डेबिट साइड में टू शो कर दो इधर टू आरडीडी अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जिसमें आपको बैड डेट्स बैड डेट्स इज गिवन 7000 न्यू बैड डेट्स है ही नहीं तो न्यू बैड डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आ जाओ न्यू आरडीडी प्लस या ऐड का साइन ऐड कर दो वर्ड में लिख लो ऐड न्यू व्हाट न्यू आरडीडी तो न्यू आरडीडी 5% ऑन डेटर्स था 5% ऑफ डेटर्स सो डेटर 2 lakh का 5% दैट इज 10000 So total 17000, right? Now what we have to deduct old provision, right? Old provision जो है वो minus कर दो ना. New provision आ गया ना तो old को हटाओ. So less. What old RDD? That is old provision. और old provision है कितना अपना 8000. चलो 17 माइनस 8 दैट इज 9000 दैट्स इट ठीक है चलो ये डन आ जाओ अभी ये भी हो गया अपना बैड डेट्स वाला भी डन आरडीडी नाउ द नेक्स्ट पीएनएल डेबिट में क्या आएगा आ जाओ क्रेडिटर्स ड्रॉइंग्स पीएफडी पीएफडी मतलब वही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो डन हो गया प्रिंटिंग में स्टेशनरी है इंश्योरेंस है चलो प्रिंटिंग स्टेशनरी इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंस अभी ये तीन आइटम बाकी है अपने प्रिंटिंग स्टेशनरी इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंस ठीक है चलो सो प्रिंटिंग स्टेशनरी आपका कितना है 8000 तो दिखा दो डायरेक्टली प्रिंटिंग स्टेशनरी तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8000 बराबर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8000 देन आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद क्या बड़ा इंश्योरेंस इंश्योरेंस है आपका 12000 तो टू इंश्योरेंस अच्छा एडजस्टमेंट है कि नहीं वो देख लेना जरा इज देयर एनी एडजस्टमेंट इंश्योरेंस 12000 है उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या
Yes, adjustment is given. See, insurance amounting to rupees 2000 is prepaid. 2000 आपका prepaid है, तो prepaid तो minus हो जाएगा बेटा. So insurance जो दिया है अपने को, that is 12,000. इधर कॉलम में दिखाना 12,000. उसमें से less prepaid. Prepaid कितना बेटा? 2000. So the answer is 10,000, right? आपका answer आ गया 10,000, prepaid minus कर दिया, okay? चलो उसके बाद और कौन सा आइटम बाकी है अभी? ऑफिस एक्सपेंस है बेटा, ऑफिस एक्सपेंस 12,000 दिया है डायरेक्टली. इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या ऑफिस एक्सपेंस के ऊपर? देखो जरा. यस, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 8,000. ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा? प्लस कि नहीं, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में आता है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस है तो प्लस करना पड़ेगा ना बेटा. यस, सो ऑफिस एक्सपेंस पहले डेबिट में दिखा देना 12,000 टू व्हाट? ऑफिस एक्सपेंसेस दैट इज 12,000 प्लस 2,000, प्लस कितना है 8,000 आउटस्टैंडिंग है. Add outstanding 8,000. So total 20,000 हो गया. ठीक है, total is about 20,000. That's it. Got it? चलो office expense भी done. अभी क्या है जरा देखते हैं, और कुछ है क्या PNL से related? PNL ऑफिस एक्सपेंस मतलब इधर के सारे आइटम डन. एडजस्टमेंट है क्या कुछ पीएनएल से रिलेटेड? जरा देख लेते हैं. अच्छा, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का. ठीक है, पहले ही दिख रहा है डेप्रिसिएशन. सो फर्नीचर है कितना बेटा अपना? जरा देख लो फर्नीचर. सी है फर्नीचर किधर है आपका? फर्नीचर फिक्स एसेट है. तो फर्नीचर है 20,000. 20,000 का 10% दैट इज 2,000, वो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा. और डेप्रिसिएशन किधर दिखाओगे? पीएनएल के डेबिट में. सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखा रहा है कितना है बेटा? हाँ 10%. ठीक है, तो कितना आएगा 10%? 2,000. बराबर है? Yes, to depreciation on furniture, that is 2,000. चलो हो गया. Yes, अब PNL के सारे आइटम अपने डन. ठीक है, अब क्लोज करना है. चलो और तो कुछ है नहीं, एडजस्टमेंट बाकी सारे एडजस्टमेंट तो अपने डन हो गया बेटा. आरडीडी हो गया बेटा, सैलरी डन, इंश्योरेंस डन, ऑफिस एक्सपेंस डन, स्टॉक फॉर प्राइवेट यूज तो ड्रॉइंग्स है, क्लोजिंग स्टॉक अपना ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट में आ गया. चलो तो अपना पीएनएल से रिलेटेड डन हो गया सब. तो चलो पीएनएल बैलेंस करो, ओपनिंग करो और फाइनली क्या आ रहा है प्रॉफिट लॉस जरा देखो. तो कौन सा साइड ज्यादा है कर लो. ऑब्वियसली क्रेडिट ही ज्यादा होगा, 1,08,000 प्लस 4 दैट इज 1,12,000. सो 1,00,000 क्रेडिट इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्रेडिट में एक ही अमाउंट, देखो सिंगल अमाउंट जो बड़ा अमाउंट है उसके कंपैरिजन में इधर अमाउंट आपको सब छोटे छोटे दिख रहे, तो क्रेडिट ही ज्यादा होगा है कि नहीं? तो करके देख लेने का, ऐसा नहीं कर लेने का, क्रेडिट और डेबिट का टोटल मार लेंगे. चलो अब क्या करना है, डेबिट का टोटल करो, टोटल कर लो तेरा डेबिट का, डू इट. डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? क्रेडिट का टोटल तो 1,12,000 है, डेबिट का कितना है? 31 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000. सो आपका डेबिट का टोटल है 95, तो डेबिट कम है ना, वो 95 माइनस कर देना 1,12,000 में से. 1,12,000 माइनस 95 तो कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा? यस,
17,000 will be the balancing figure. Perfect answer, beta. Perfect. तो ये 17,000 अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट ज्यादा है मतलब क्या हो गया प्रॉफिट हो गया ना तो ये प्रॉफिट को आप क्या बोलते हो बेटा दिस प्रॉफिट इज नोन एज नेट प्रॉफिट तो बस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्या बेटा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट दैट्स इट ओके देन चलो अभी बैलेंस शीट बना लो और बाकी लोग अपना क्रॉस चेक करना नेट प्रॉफिट आया कि नहीं बराबर आपका चलो अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट फाइनली अपना बैलेंस शीट नॉर्मल हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है बेटा सो बैलेंस शीट क्या बेटा बैलेंस शीट एज ऑन व्हाट 31st March 2014 ठीक है चलो लाइबिलिटीज रुपीज असेट्स रुपीज ठीक है लाइबिलिटीज रुपीज असेट्स रुपीज चलो बैलेंस शीट में सबसे टॉप पे पहले क्या आ जाएगा आपका कैपिटल बराबर है कैपिटल अभी कैपिटल कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में देख लेना पहले कैपिटल का बैलेंसिंग मींस बैलेंस कितना है ओपनिंग बैलेंस यू कैन सी हियर 1 lakh ठीक है So capital is given that is 1 lakhs. इधर कॉलम में लिखना इनर में 1 lakh. अब क्या हुआ बेटा कैपिटल में नेट प्रॉफिट आया तो प्लस हो जाएगा तो आया ना आपको नेट प्रॉफिट 17,000. ये देखो 17,000 का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल है सो एड नेट प्रॉफिट ठीक है सो टोटल हो गया अपना 1,70,000 में इसलिए लिखा क्योंकि अभी ड्रॉइंग्स भी है ना माइनस करने के लिए लेस ड्रॉइंग्स लेस व्हाट ड्रॉइंग्स ठीक है चलो अभी ड्रॉइंग्स में क्या आपके पास आ जाओ देखो ड्रॉइंग्स में आपके पास एक तो नॉर्मल ड्रॉइंग्स दिया ही है जो क्वेश्चन में दिस वन दैट इज 24,000 ये नॉर्मल ड्रॉइंग है आपका ठीक है जो कि डायरेक्टली गिवन है ट्रायल बैलेंस में एंड एडजस्टमेंट में देखो स्टॉक यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस ये भी तो ड्रॉइंग है यहाँ पे गुड्स प्राइवेट पर्पस के लिए निकाला ओनर ने पर्सनल यूज के लिए तो दैट इज ऑल्सो अ ड्रॉइंग सो ड्रॉइंग्स का टोटल अमाउंट हो गया 24 + 6 दैट इज 30,000 ठीक है 24 + 6 तो इधर दिखा देता हूँ मैं शो कर देता हूँ 24 नॉर्मल ट्रायल बैलेंस में दिया प्लस 6,000 का एडिशनल राइट है स्टॉक विड्रॉ किया उसने पर्सनल यूज के लिए So total drawing is what 30,000. चलो माइनस करो 1,17,000 - 30 कितना 87 परफेक्ट ठीक है 87,000 राइट चलो उसके बाद आपका लाइबिलिटी में क्या क्या है और देख लो लाइबिलिटी से रिलेटेड देख लो इधर लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ दिख रहा है आपको इधर देखते जाने का क्रेडिटर्स है क्रेडिटर्स है बराबर क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है 1,20,000 क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसपे 1,20,000 ठीक है और कुछ लाइबिलिटी जरा देखते हैं बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा कुछ है क्या तो कुछ नहीं था ना वैसे भी क्वेश्चन देखा ही था और तो कुछ इधर है ही नहीं बस एडजस्टमेंट में देख लो कुछ था क्या आपके पास लाइबिलिटी फर्स्ट में नहीं है सेकंड में नहीं है थर्ड सैलरी देखो सैलरी से रिलेटेड देखना सैलरी से रिलेटेड अभी सैलरी में क्या बोल रहा है बेटा
सैलरी इंक्लूडेड 2000 पेड इन एडवांस, वो तो असेट हो गया। आउटस्टैंडिंग अनपेड है 3000, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका कितना है बेटा? यस 3000, जो कि आपने किया भी था। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ठीक है। अभी ये हो गया ना, अब डायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर लो फटाफट, सब लोग बना रहे हो अपने हाँ ठीक है। अभी चलो कैपिटल डन हो गया अपना, कैपिटल नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग माइनस कर दिया, ड्राइंग में 24 ट्रायल बैलेंस का था और एक्स्ट्रा ड्राइंग जो स्टॉक निकाला पर्सनल यूज के लिए वो 6000, टोटल 30000 माइनस कर दिया तो 87, फिर क्रेडिटर्स है 1,20,000 ठीक है। चलो अब कंटिन्यू करो और बैलेंस शीट टैली करो। अब इसके आगे सिर्फ मैं गाइड कर रहा हूँ ठीक है, तो सब लोग नोट डाउन करते जाओ। क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद अपना क्या था? देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी था, तो दिखा देना इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी, कम ऑन शो इट, क्रेडिटर्स के नीचे लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज 3000। ओके डन डन एवरीवन, आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज व्हाट बेटा 3000। फिर उसके बाद देखो और क्या था अपना लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में और क्या था बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, ऑफिस एक्सपेंस 8000। यस तो आ जाओ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका आ गया और फिर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 8000 दिखा देना, कम ऑन शो इट एवरीवन, डन। बस तो आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 2,18,000। लाइबिलिटी में क्या क्या आ गया? कैपिटल 87, क्रेडिटर्स 120, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3 और आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 8000। तो टोटल लाइबिलिटी का होगा 2,18,000 और वही सेम आपका असेट साइड भी होना चाहिए 2,18,000। अभी असेट साइड में क्या क्या आ जाएगा? असेट साइड में देखो आपके पास क्या क्या था, असेट्स में फर्नीचर, तो ये समझो असेट साइड है। तो असेट में आपने क्या दिखाया? फर्नीचर दिखाया ठीक है, तो फर्नीचर आपका कितना था? 20 ठीक है, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन था, है कि नहीं? फर्नीचर पे क्या था बेटा? लेस। तो आप लोग बैलेंस शीट पे दिखाओ उसको, कम ऑन। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, सो 10% मतलब 2000 हो गया, माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? 18000 ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्या था बेटा? डेटर्स। अब बैलेंस शीट में और क्या क्या है? फर्नीचर हो गया, फिर उसके बाद डेटर्स है, डेटर्स अपना 2,00,000 है बराबर, और 2,00,000 के ऊपर न्यू आरडीडी आया बेटा, न्यू आरडीडी, सो लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दैट इज न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, तो ये आरडीडी लिख दिया हमने, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज व्हाट 10,000 न्यू आरडीडी है बेटा। सो 2,00,000 माइनस 10 दैट इज 190 ओके। और क्या था बेटा असेट्स में? देखो जो आपने प्रीपेड सैलरी किया एडवांस सैलरी, तो एडवांस सैलरी भी आपका असेट्स है, वो भी आ जाएगा आपका एडवांस सैलरी, दैट इज व्हाट 2000 राइट। फिर आपका क्या था बेटा? प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2000 प्रीपेड है, सो प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपका असेट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस वो भी आपका 2000 राइट। फिर और क्या था आपका करंट असेट्स में? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड दैट इज 6000, तो स्टॉक इन ट्रेड दैट इज क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बेटा? 6000 बस। तो अभी जो लाइबिलिटी का टोटल आया आपका, जैसे लाइबिलिटी का इधर टोटल कितना आया था? 2,18,000। सेम असेट का भी आ जाएगा, कर लेना 18 प्लस 1,90,000 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6, तो हो गया ना 2,18,000 That's it. तो बैलेंस शीट आपका ऐसे टैली होना चाहिए, That's it. Got it? Clear? बराबर है, तो यही आपको अपने बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट एज अ प्रैक्टिस है आपको, बट फिर भी इधर पूरा बता ही दिया, गाइड कर दिया मैंने,
तो उसको अपने बैलेंस शीट पे सेम डिटो वैसे ही दिखा देना। ओके, तो लाइबिलिटी साइड में 2,18,000, असेट साइड में 2,18,000, बैलेंस शीट आपका टैली होना चाहिए। तो लाइबिलिटी में देखा ना, कैपिटल अकाउंट था, क्रेडिटर्स था, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, और लाइबिलिटी साइड में ये सब हो गए। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना, और लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आता, 2,18,000। फिर असेट्स का दिखा दो, ठीक है, असेट्स में फर्नीचर, डेटर्स, एडवांस सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी 2,18,000। तो असेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल सेम होना चाहिए, बैलेंस शीट आपका टैली होना चाहिए। दैट्स इट, गॉट इट, हो गया क्लियर? ओके, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना फिर से। ओके okay?